दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका को दूसरे मुकाबले में हरा देने के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारतीय टीम के खिलाफ जहर उगला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय टीम को चेतावनी जारी करते हुए धमकी भरा बयान दिया। पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको सुनकर आपका भी दिल छलनी छलनी हो जाएगा। आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारतीय टीम के खिलाफ कौन सा चेतावनी से परिपूर्ण जहरीला बयान जारी किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और संजू सैमसन में कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी के घरेलू मैदान रांची में खेला गया। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन के पक्ष में सिक्का तो नहीं गिरा, लेकिन मुकाबला भारतीय टीम के नाम रहा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने करिश्माई गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर विरोधी टीम को 278 रन 7 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। जहां विरोधी टीम की तरफ से हेंड्रिक्स ने 74 और मार्करम ने 76 रन की पारी खेली, लेकिन 279 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से 2 विकेट जल्दी गिर गए। लेकिन जिस अंदाज से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने पारी को संभाल लिया, उसे देख ये कहना गलत नहीं था कि भारतीय टीम को जीत दिलाने में इन दोनों बल्लेबाजों का महत्वपूर्ण योगदान है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन ने 93 रनों की पारी खेली, लेकिन शतक लगाने से वो चूक गए। परंतु दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दूसरा शतक पूरा करते हुए 113 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई। लेकिन इस मुकाबले में मिली जीत के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारतीय टीम के लिए चेतावनी भरा बयान जारी किया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से इंजमाम उल्हक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम को अब जिंदगी में कभी नहीं हरा पाएगी। अगर भारत में इतनी ही ज्यादा हिम्मत है तो भारत और पाकिस्तान की एक सीरीज करा के देख लो, जिससे साफ अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया की सबसे मजबूत टीम इस समय पाकिस्तान है या फिर भारत। वैसे देखा जाए तो भारत की टीम का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, लेकिन पाकिस्तान को हराना अब भी उनके बस की बात नहीं है और भारत अब पाकिस्तान से आराम से हार सकता है। इसके अलावा वकार यूनुस ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से कितनी भी खतरनाक गेंदबाजी कोई भी गेंदबाज कर ले और चाहे कितनी भी जबरदस्त बल्लेबाजी कर ले, लेकिन पाकिस्तान की बराबरी वो जिंदगी में भी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के पास साधन बेशक ही नहीं है, लेकिन दुनिया की सभी क्रिकेट की टीम पाकिस्तान से डर कर रहती हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जिसके खिलाफ भी खेलते हैं अपना बेहतर प्रदर्शन कर देते हैं और किसी को भी टक्कर देकर हरा देते हैं और शायद वर्ल्ड चैंपियन टीमें भी इनके सामने ना टिक पाए। ऐसे में भारत खुद सीरीज खेलकर आजमा सकती है। इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को तो हरा सकती है, लेकिन अगर भारतीय टीम में असली हिम्मत है तो पाकिस्तान से लड़कर दिखाए और पाकिस्तान की टीम को हरा कर दिखाए। जहां पाकिस्तान की टीम को बुरी तरीके से हराना तो दूर की बात है, उन्हें आउट करना भी भारत के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के जैसे बेहतरीन मिश्रण पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और अगर भारत अपने अरमानों को ठंडा होता हुआ देखना चाहता है तो पाकिस्तान से सीरीज करके देख ले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय बी टीम पाकिस्तान को हराने में सक्षम है या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।